हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो पोकेमॉन शाइनिंग पर्ल में आपका स्वागत है। लास्ट गेम प्ले की अगर बात करें तो हमारा काफ़ी काफ़ी पार्ट ऑलरेडी इस गेम में कवर हो चुका है। एक पिकाचू हमने पकड़ लिया, पिचू भी पकड़ा, राइट। टोगेटिक बहुत ही धमाल दिखा रहा है, फ्लाई अटैक के साथ काफ़ी पावरफुल हो चुका है। मोर और लेस मेरे सारे पोकेमॉन लेवल 40 तक पहुँच चुके हैं। अब आगे जो सिचुएशन फंसी हुई है वो ये है कि यहाँ पर मुझे पूरा फॉगी एरिया हो रखा है, तो मुझे कोई डी फॉग नाम का अटैक है अपने पोकेमोन को सिखाना है। बट आई डोंट नो, मेरे पास डिफॉग नाम की कोई चीज है भी या नहीं। सो लेट्स सी। स्ट्रेंथ बेसिकली डिफॉग नाम की कोई चीज नहीं है हमारे पास। एक चीज तो मुझे क्लियर हो रही है कि शायद मुझे पीछे ही कहीं जाना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है फ्लाई। यहाँ पे मैं हूँ अभी, ये वाला रूट फॉलो किया, लेट्स सी। बस यही एक एरिया है जो मैंने बहुत जल्दीबाजी में कवर किया था और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया मेरे लिए अभी। पहले ऊपर चलते हैं। वैसे जहां तक मुझे याद है मैंने बात की थी सभी से। दुकानदार, ओके सर, मुझे गेम में जाने से पहले ही ये लोग रोक देते हैं मेरे पास। ओ, 2 लाख के आसपास है मेरे पास। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं पोकेबॉल अनलिमिटेड पकड़ सकूं। आई थिंक इस बंदे से भी मेरी बात हो गई थी। ऐसा कौन छूट गया यार? ओ यस, तो यहाँ मुझे डिफॉग मिलना था, बट मैंने इस बंदे से शायद बात नहीं करी। ये बहुत रिस्की है। एनीवे, यहाँ पोकेमॉन मिलेंगे, उन्हें मैं पकड़ू नहीं पकड़ू वो टोटली मेरे ऊपर है, राइट। 30 सफारी बॉल्स है मेरे पास। कम ऑन यार, ये बाय चांस हुआ है एक्चुअली, मैं इसको पकड़ना नहीं चाह रहा। तो कई बार होता है कि बिना मेहनत के भी कोई पोकेमॉन पकड़ में आ जाता है। नहीं यार, लेट्स मूव फ्रॉम हियर, यहां से जितनी जल्दी हो सके भाग निकलो। यस, दैट्स इट। सो एक पोकेबॉल फेंकी मैंने और वो उसमें भी पोकेमॉन को पकड़ लिया। आई लव मैन, जिस तरीके से पिकाचू मेरा पीछा कर रहा है दिल खुश हो गया। ओह, बट मुझे अब एक चीज और देखनी पड़ेगी, और वो चीज है कि मैं किस पोकेमॉन को व्हाट द हेल। यार मुझे लग रहा है मैं टोगेटिक को कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाऊंगा। हालांकि इसके पास देखो डबल एज बहुत अच्छा है, फ्लाई अटैक ऑलरेडी अच्छा है, एंशियंट पावर भी अच्छा है, लाइफ ड्यू सबको हील करता है, बट इसके पीपी इतने कम है। आई डोंट नो, अब डिफॉग है उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा।
या तो मुझे फ्लाई वाला कोई और पोकेमोन पकड़ के रखना चाहिए था। दिस इज नॉट राइट। सो टोगेटिक बेसिकली मेरा अभी सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्टेड पोकेमोन बन के रह गया है। तो अब मैं सोचता हूँ जब ऐसा ही हाल है लेट्स चेंज टोगेटिक, क्योंकि वो टोगेटिक सपोर्ट्स में ज्यादा जा रहा है। सुरोगुरो रायहॉन, दैट्स ओके, नाउ इट्स फाइन। एक बार हील कर लेता हूँ सारे पोकेमॉन्स को सो दैट आगे अगर कोई फाइट स्टार्ट होती है रायहॉन को अब राइडॉन बना के ही जाएंगे। तो रायन भी 2 लेवल पे अपग्रेड होता है, हॉन्टर भी 2 लेवल पे है, केटेब्रा भी, पिकाचू तो आई डोंट नो कभी रायचू बनेगा नहीं बनेगा, हालांकि मेरे पास पीचू ऑलरेडी है। ओह कम ऑन, व्हाट इज दिस? मुझे फ्लाई करना था एक्चुअली। This is not right, यार। At least ये पास में। I think इसी लोकेशन पे था मैं। नहीं। यहाँ से भी एरिया थोड़ा सा लंबा है, बहुत ज़्यादा नहीं। Again, I hate this। जो back and forth हो रहा है ना भी। बहुत नफरत हो रही है उससे। आई थिंक ये लोग रोकेंगे नहीं मुझे। दैट्स इट, आई थिंक यही साइड अप वाला एरिया है। कोई बाइक से उतरना पड़ेगा। यस, किसी ने पकड़ लिया। सीरियसली आई डोंट नो, मैं कैसे बताऊं कितनी इरिटेटिंग लगती है। हालांकि इसके लिए भी एक ऑप्शन है रिपेल वाला, अगर मैं उसको यूज करता हूं तो जितने भी पोकेमॉन्स आएंगे उनको मैं इजीली इवेड कर सकता हूं। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि कभी कोई अच्छा पोकेमॉन आया। व्हाट, रायहॉन को उसने जाने नहीं दिया तो आप तो इसको पेल के जाएंगे। तो बुलडोज बेसिकली जितना बड़ा पोकेमॉन उतना इफेक्टिव। पिकाचू 1। सो बेसिकली आई थिंक लेवल के अकॉर्डिंग सभी को प्रोपोर्शनेट पॉइंट मिलते हैं। ओह यस, सो डीफॉग ये रहा। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ अटैक है जो मैंने अभी तक किसी को नहीं सिखाया, वो भी मैं सोच रहा हूँ जो ड्यूड ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है। यहाँ पे एक बंदा था जिसके साथ मेरी शायद फाइट हुई थी। आई डोंट नो, कम ऑन यार। ये फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन फर्स्ट टाइम आया है, बट इसके पॉइंट से मुझे कुछ ज्यादा हासिल नहीं होगा। बट एक चीज मुझे, ओह नहीं 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 नहीं, मुझे ये चीज बोली गई थी कि इस रास्ते से लेके, यहाँ से लेके आगे जहां मैं जा रहा हूँ वहां मुझे बहुत रेयर पोकेमॉन मिलने वाले हैं। हेल, ये फाइटिंग और साइकिक दोनों है। भाई साहब, 2 वैरायटीज तो पोकेमॉन की बहुत ही खतरनाक है। ओके, अगर यहाँ नहीं फंसना है। ओ यार, आई लव नॉकडाउन।
आई डोंट नो मैं नॉकटर्न को, बट इसको पकड़ के भी मैं क्या करूंगा, ये लेवल 25 पे है। लेट्स ट्राई, क्योंकि पकड़ने के भी पॉइंट मिलते हैं। अगर मैं इसको बीट आउट नहीं कर पाया, हरा नहीं पाया, अगर पकड़ लिया तो भी मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे। एंड आई थिंक इट्स डन। सबसे ज्यादा अभी तक मुझे परेशान किया पिकाचू ने। वाओ, देख रहे हो, ये है फायदा। नॉर्मल कम फ्लाइंग, ओह मैं फ्लाइंग अटैक सारे के सारे नॉकटल को भी सिखा सकता हूँ यार। सी नॉकटल समरी, पहले इसकी समरी देखते हैं। एचपी ठीक है, अटैक ज्यादा नहीं है, स्पेशल अटैक नो। रिफ्लेक्स, साइकिक, साइको शिफ्ट, एयर स्लैश, एक्स्ट्रा सेंसरी, पूरा का पूरा साइकिक है यार ये। नो वरीज, इसको जाने दो पार्टी में। सेंड टू बॉक्स, ये तो है। यहाँ पे वैरायटी तो मिल रही है पोकेमोन की। अभी तो दो बार में दो अलग अलग पोकेमोन दिखे। दिस इज द यूजुअल वन, इसको देख के मुझे कुछ नहीं करना। एक लास्ट अटेम्प्ट और, समथिंग इज रॉन्ग। मैं नॉकटल को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहा हूं। लेट्स हील द पोकेमॉन। एटलीस्ट यहां आने से आवाज वापस आई। मुझे फिर से थोड़ा सा एरिया वापस से कवर करना पड़ेगा, बट स्टिल ओके। पिकाचू को तो मैं अभी अपने साथ ही रखूंगा। सो यहां से वापस आता है ये। एक्सप्लोरिंग किट है मेरे पास यार, मैंने अभी तक यूज नहीं किया इसको। Come on, get up the bicycle. So basically, लंबी घासों में कमर रुकना नहीं यार। इससे पहले कोई पोकेमोन पकड़े, निकल लो यहाँ से। ये एक आइडिया है। डीफॉग, डीफॉग, डीफॉग। ये बहुत बड़ी परेशानी है। देखा जाए तो अभी अपने गेम प्ले में कुछ भी नहीं किया है। ऑलरेडी इतना बवाल शुरू हो गया। लास्ट एक एक्शन देखते हैं। दिस इज गुड पार्ट, जैसे ही क्रॉस किया सीधे एक पोकेमोन ट्रेनर मिला। एंड आई थिंक इसके पास है एलिशा। फायर, इसको रायहोन आराम से संभाल लेगा, बिकॉज रायहोन के पास बुलडोज अटैक है। रायहॉन को सेकेंड अटैक क्यों मिलता है मैं अभी तक नहीं समझा। बेचारा ऐसे ही मर जाएगा, जबकि मेरा लेवल ज्यादा है, फिर भी सामने वाले को पहले चांस मिलता है। आई थिंक ये ऐसा इसलिए क्योंकि रायहॉन की स्पीड कम हो सकती है। ये भी ब्रूटल,
व्हाट इज ग्रोटल, ये नया ये ग्रास टाइप का है बट फायर फैंग ऑब्वियसली, बट उसके ग्रास अटैक्स ओके सो ये फ्लिंच है, अभी मेरे पास एडवांटेज है। ये लवली फाइट बिना मौके दिए, पिकाचू लेवल 22, कम ऑन पिकाचू, मुझे एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन भी चाहिए था, दिल्ली तमन्ना थी बहुत स्टार्टिंग से। कमन एक एक करके लड़ेंगे सीरियसली, नहीं ये ग्रुप में ही लड़ेंगे। होली मदर राइट, गैरेडॉस का वाटर अटैक मेरे पर बहुत बहुत क्रेजी होने वाला है। मुझे थोड़ा सा बुलडोज, नो इफेक्ट है, फायर इफेक्ट नॉट इफेक्ट है, स्टॉर्म ओके इसके ऊपर नहीं है, बुलडोज इसके ऊपर भी नहीं है। लेट्स सी क्या कर सकते हो, टेल मी रायहॉन मस्ट बी स्लीपिंग। पिकाचू के ऊपर कोई, रायचू के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। डन, सो बेसिकली देखा जाए ये जो सपोर्ट अटैक है ना, लीव रिफ्लेक्ट फिजिकल बैरियर, और हैक्स इधर। अब थोड़ा सा गेम उल्टा करना पड़ा है मुझे, गैरेडॉस इतनी जल्दी हार नहीं मारेगा। आओ आओ आओ, पैरालाइज किया वो भी इलेक्ट्रिक करंट से। द हेल, लेवल 37 के पोकेमोन को छीन के ले गए। मुझे लग रहा है गैरेडॉस के अगेंस्ट में मुझे गैरेडॉस ही लाना पड़ेगा। लेट्स गो। अब मैं दिखाता हूँ इसको कि क्रंच अटैक क्या होता है। एक्वाटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे। Let's see. अब आई थिंक इसी में आउट हो जाएगा। ओ यस, लगा ही था मुझे, क्योंकि 27 लेवल 37 दोनों में अंतर बहुत है। कैडाब्रा 40, रायमॉन 30। अरे कैडाब्रा वांट टू लर्न रोल प्ले, व्हाट इज रोल प्ले, नॉट रिक्वायर्ड। मिमिक मिमिक करने वाले मुझे कोई अटैक नहीं चाहिए। रायहॉन को बहुत ज्यादा भी नुकसान नहीं हुआ है। सीरियसली ये मुझे नहीं समझ में आया, ये उतरते कैसे हैं, इस एरिया से ये लोग जाते कैसे हैं। अभी हो सकता है वो बहुत लेटर स्टेज में मुझे पता चले। 3-1 पोकेमोन डेड है सिर्फ मेरा। मोथिम फ्लाई वाला है इसके ऊपर, बट फायर फैंग शायद असर कर सकता है, बग टाइप है तो। ओ यस, थोड़ा सा दिमाग लगा के बस अटैक यूज करने हैं, जहां पे दिमाग लगाया अटैक यूज हुए खेल कर रहा। लुक्सियो सारे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं मुझे, नहीं लुक्सियो पहले मिला था, ये अच्छा किया मैंने, इसके इलेक्ट्रिक अटैक मेरे पे काम नहीं आएंगे। बुलडोज सुपर इफेक्टिव, अरे एक बार
Onyx. Let's see. अब ये बहुत बराबर का टक्कर रहेगा और मैं जानबूझ के किया है। ये मुझे मालूम था कि वन शॉट किल तो नहीं रहेगा। Onyx कर्स अटैक, इससे क्या होगा मेरे ऊपर? नहीं, इसका स्पीड गिरी बट इसका अटैक एंड डिफेंस बढ़ेगा शायद। अटैक बढ़ा, डिफेंस बढ़ा, बट इस बार इसका शायद खेल खत्म। नहीं, डिफेंस का फायदा लिया इसने यार। Love it, man. So, सिर्फ बुलडोज अटैक ही है जो Onyx के ऊपर इफेक्ट है। अभी मेरे पास हॉर्न अटैक है। हॉर्न ड्रिल कब सीखेगा ये? हॉर्न ड्रिल सीखने के बाद वो बहुत हाई लेवल का अटैक मारता है। ये फायदा है रायहॉर्न की एचपी अच्छी होने के कारण, उसका डिफेंस अच्छा होने के कारण। What is there? That's it. सिर्फ इस एक पोकेबॉल के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा है। ओ भाई साहब, ये एक नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। शैडो बॉल, इसको सिर्फ और सिर्फ कैडाब्रा भी सीख सकता है। सीरियसली, कैडाब्रा को नहीं सिखाऊंगा, कैडाब्रा के पास ऑलरेडी बहुत अटैक है। शैडो बॉल बहुत अच्छा है। सकर पंच 5 है 70, वह डार्क है। हेक्स, हेक्स अभी तक का सबसे बेस्ट है। गोस्ट अटैक, पे बैक, ओके 50, शैडो पंच ओके, एंड दिस इज 80। सो शैडो पंच, पे बैक, हेक्स, सकर पंच। आई थिंक सकर पंच को हटाना। दिस मूव इनेबल यूजर टू अटैक फर्स्ट, दिस मूव फेल्स इफ द टारगेट इज नॉट रेडिंग एन अटैक। इसको हटा दो यार, सकर पंच हटा दो। शेडो बॉल रखना है, शेडो बॉल लिटरली बहुत पावरफुल अटैक है। ये काम आ गया। ओह कम ऑन, लवली मैन, बिल्कुल इंतजार में खड़ा था कि कब यहां से कोई आए और उसके साथ ये फाइटिंग करे। क्वेश्चन इज कि रेयर जो पोकेमॉन मुझे मिलने वाले थे वो कहां है। ओके, आई थिंक ये भी बुलडोज अटैक से जाएगा, बिकॉज इसकी भी मैचॉक की स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं है, इसको भी बीट करना आसान है। लेट्स सी, मैंने बुलडोज मारा है बट नॉट श्योर। अब कराटे चॉप अटैक मेरे ऊपर आने वाला है। फोकस एनर्जी, ओ नहीं, ये अभी अपने आप को फोकस कर रहा है और अब इसके बाद जो ये अटैक मारेगा वो हिला देगा। नॉट, ओके, कुडंट मूव, लवली। तो अब मेरे पास एक अटैक और था। ओह सीरियसली मैन, अगर वो मूव कर जाता और पंप की हुई एनर्जी मेरे ऊपर छोड़ता। वो ये कहां से आया? ये निंजा है बेसिकली यार, और लिटरली अचानक ही आया। और कौन से दो पोकेमोन लेके आए ये? नेथन, रोगनो, पता नहीं। इस पोकेमोन को देख के मुझे हमेशा से लगता है कि शायद ये पानी वाला पोकेमोन है।
बुलडोज, जब तक बुलडोज है मैं उसी का यूज करता रहूंगा। देखो एक ही शॉट काफी है, दूसरे शॉट की जरूरत ही नहीं पड़ती। पिकाचू कम ऑन लर्न समथिंग, एजिलिटी वैसे एजिलिटी से कुछ होता नहीं है, स्पीड स्टैट्स बढ़ते हैं और कुछ नहीं होता। अभी कुछ पिकाचू के पास सारे के सारे इलेक्ट्रिक हुए हैं, गोल बैट, गोल बैट के लिए स्विच मैंने इसलिए भी किया, गोल बैट फ्लाइंग पोकेमॉन है और उसमें ग्राउंड टाइप के पोकेमॉन्स का बहुत ज़्यादा बस नहीं चलता है। क्या बात करूं मैं, इसका जो क्रंच अटैक है वो इतना पावरफुल है, मतलब हेल्थ धीरे धीरे भी नहीं जाती है, एक ही बार में जाती है। बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर रहा है हमारा प्यारा हॉन्टर। स्मोक बॉल, इसके पास भी शायद फ्लाइंग टाइप के पोकेमॉन मिलेंगे, बर्ड टाइप के पोकेमॉन, जिस तरीके से इसने केज पकड़ा है। सो नॉकडाउन तो मेरे पास भी है, फ्लाइंग बट हुटू फ्लाइंग नहीं है, नॉकडाउन फ्लाइंग एज वेल एज साइकिक, दोनों टाइप का। मेरा लॉजिक ये रहता है कि आग से पंछी जलते हैं तो आग वाला अटैक इफेक्टिव होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, व्हाट दिस मैन, लेट्स सी स्टॉर्म अटैक ट्राई करते हैं, स्काई अटैक कितना डैमेज करेगा पहले ये देखना है। लकीली ये क्रिटिकल लैंडिंग थी, फिर से कम ऑन, दिस इज नॉट फेयर यार, इस बार मूव करना चाहिए। इस बार बच जाऊं किसी तरीके से, स्काई अटैक नहीं, नॉट अ चांस, बट बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। एक एडवांटेज है कि बहुत पावरफुल अटैक मारने की कोशिश करी नॉकटॉल ने, लेकिन उसके बावजूद भी रायहॉन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सो रायहॉन लेवल 35 ऑलमोस्ट देयर, राइट, एक दो फाइट की और अंदर जा रही है। नीचे वाला तो आई थिंक 210 से पहले इधर जाना है, मुझे ये रिएक्सेस करना है, ऊपर क्या है एक्चुअली वो जानना जरूरी है। एक्चुअली मुझे लगा कोई, मुझे एक्चुअली लगा लेडी है कोई। लेट्स यूज स्टॉप बटन, सीरियसली ये सब्स्टिट्यूट जो अटैक होते हैं उनसे यही फायदा है। इसने पहले ग्रोल किया, अब टेल विप किया, अब शायद मेरा डिफेंस गिरेगा। यस, पहले मेरा अटैक गिराया, अब मेरा डिफेंस गिराया। लेवल 35 ड्रिल रन, ये अच्छा लग रहा है भाई। फायर फैंग 65 फायर वाला है, स्टॉम्प बेसिकली काफी अच्छा है, बुलडोज भी ठीक है, हॉर्न अटैक कुछ अच्छा नहीं है। ड्रिल रन
सो ऑन अटैक को हटा दूं बिकॉज वो नॉर्मल अटैक है। अब एक अच्छा इसने अटैक सीखा है, ड्रिल रन। ऑन ड्रिल एंड ड्रिल रन आई थिंक मुझे लग रहा है एक जैसा ही है। लेट्स सी, सब इफेक्टिव ही है। ड्रिल रन खतरनाक है यार, हालांकि लेवल 9 का डिफरेंस था बट स्टिल जिराफ थ्री। जिराफ्रिक बेसिकली साइकिक टाइप का भी पोकेमॉन है, तो वो फिजिकल अटैक वाले पोकेमॉन को बहुत इजीली बीट कर सकता है, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। वाइट अटैक, क्रंच अटैक सुपर इफेक्टिव। लेट्स डू क्रंच अटैक। This is what we are supposed to do. हर पोकेमॉन की एक कमजोरी होती है, वो कमजोरी वाला पोकेमॉन आपको अपने साथ रखना है, right? उसके बाद तो सब आसान है। मनी मनी मनी, इस मनी से मैंने अभी तक कुछ खरीदा नहीं है। Seriously, सिर्फ berries. यहाँ पे कोई रेयर पोकेमॉन मिलता है या नहीं? ओह, दिस इज सुपर रेयर मैन। साइड अप। आई थिंक यहाँ पे ऐसे ही कुछ पोकेमॉन मिलने वाले हैं। ये लास्ट है, कुछ अच्छा मिला तो ठीक। व्हाट है? लेट्स मूव फ्रॉम हियर। वो आई थिंक मैं उस टाउन में आ चुका हूं, बस अब मुझे यहां हर किसी से बात करनी है। बात करनी बहुत जरूरी है बिकॉज गेम के स्टार्टिंग में हमने देखा कि किस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव डिफॉग हमने छोड़ दिया था। भाई साहब, ये बंदा अगर ऊपर चढ़ेगा तो मुझे मालूम नहीं। क्लोजेस्ट प्लेस टू द स्काई ऑब्वियसली माउंटेन है। लेट्स सी, एक एक घर में जाना है, सबसे बात करनी है। There's no Pokemon in this town. Okay. What? ये बहुत बड़ा है यार, literally. यहाँ पे Pokemon नहीं है, but ये एक छोटा सा shop है जो ये लोग चला रहे हैं. Wise Glass. And इस Wise Glass से क्या होगा? Okay. स्पेशल मूव्स को बेसिकली एनहांस करेगा। यार मैं एक चीज बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ, मैंने अभी तक ज्यादातर पोकेमॉन सेंटर्स में ज्यादातर पोकेमार्ट में मैंने ट्राई नहीं किया है, बट मुझे बाइक का ऑप्शन देखना पड़ेगा। हो सकता है कहीं कोई स्टोन वगैरह दे रहे हो। रीजन ही है यहाँ पे से बात होनी है। अच्छा, एक बूढ़ी खड़ूस दादी को मुझे ढूंढना है।
ओके टाइम करंट टाइम ओके, बट इस करंट टाइम से मुझे फायदा क्या है? आई डोंट नो, लकीली मुझे अपने बेचारे हंटर को जिंदा करने का मौका मिल रहा है। ओके सर, इसने मेरे पोकेमोन को बेसिकली क्या किया, स्टडी किया, और उसके बाद उसने बताया कि मेरा पोकेमोन का मेरे साथ रिलेशन अच्छा है, तो एक ग्रेट बॉल मुझे फ्री मिली। उतरू कहां से बे? ग्रैंड टनल देख रहे हो आप? बहुत ज्यादा बड़ी है यार ये शायद। उतरने का कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा ये रहा यार, मैं भी लिटरली क्या बेवकूफों वाली बात कर रहा हूँ। दिस इज कंप्लीटली एम्प्टी, इस बंदे से बात करते हैं। गैलेक्टिक, यस are taking on the universe, not even on the world. देखते हैं इस बंदे के पास दो पोकेमोन। सीरियसली गुंडागर्दी करने निकले हैं लेकिन सिर्फ दो पोकेमोन। What is this? Come on, Rhyhorn. इस बार तो Rhydon बनना है। इस बार तो नहीं बनेगा, basically time है अभी इसको। ये अभी level 35 की शुरुआत ही हुई है। आर्ट्स रोगो, मैं तो नाम से ही भूल जाता हूँ। एक्चुअली लेवल वन के तो मुझे सारे पोकेमोन्स के नाम याद हैं, जो जनरेशन वन के पोकेमोन हैं। देखना ये है ये भाग के कहाँ जाता है। टीम गैलेक्टिक जनरेशन वन में थी टीम रॉकेट, बट कॉन्सेप्ट सेम वही है। ओह वो दादी आ गई। अच्छा तो ये ओल्ड चैंपियन हमने इस बूढ़ी लेडी को दे दिया। आई थिंक मुझे लग रहा है इसके अंदर मुझे क्लिफेरी और क्लिफेबल वगैरह मिलने वाले हैं। शाइनिंग पर्ल, DM 95, so इतनी सारी बात और ओल्ड चार्म देने का फायदा ही हुआ। होली मदर, फाइनली अब जाके मिला है मुझे। तो सर्फ अटैक के लिए मुझे इतनी दूर तक आना पड़ा। That's it. और कुछ नहीं है यहाँ पे। सर्फ अटैक, व्हाट?
अच्छा वो बंदा यहाँ से भाग के गया तो अपने बॉस को लेके आ गया। नहीं ये फाइट नहीं करेगा, ये भाग जाएगा। सो मेरे पास सर्फ अटैक है एंड आई थिंक सर्फ अटैक को कौन सीख सकता है? पिकाचू। और इसका अटैक भी बहुत अच्छा है। यूज दिस आइटम। गिरेडोस। सो एक्वा टेल 90, बाइट 60, वाटरफॉल 80, सर्फ इज 90, क्रंच इज 80। सिर्फ ये 60 है। तब इस सर्फ का फायदा ये होगा कि मुझे एक एरिया से दूसरी एरिया में जाने के लिए अब परेशानी नहीं होगी। बट गैरोडस ने बहुत अच्छा अटैक सीखा यार, लिटरली। मेरा बट यहाँ सर्फ अटैक करके कोई फायदा नहीं है। कब बन रहा है, मुझे इससे फाइट नहीं करनी अभी। सीरियसली मैं बचना चाह रहा था बट नॉट अ चांस। अभी मुझे सर्फ अटैक देखना है एंड इसके लिए इस बार मैं ड्रिल रन करूंगा। डोज अटैक बेसिकली एक बार में इसको बीट आउट करता है। ड्रिल रन। बहुत पावरफुल है यार ड्रिल ड्रिल, लिटरली बहुत पावरफुल है। कम ऑन इसका बस नहीं, इसी को रखना है अभी। इसको लेवल 36 पहुंचाना है मुझे, किसी तरीके से राइड ऑन बनाना है इसको। That's it. मुझे लगा था शायद ये बच जाएगा और उसके बाद साइकिक अटैक मारेगा। मैचॉक को तो मैं हैंडल कर लूंगा। ओ बच गया। लिटरली मैंने उम्मीद नहीं करी थी ये बचेगा। Let's use Storm Attack. Hey, यार, Rhyhorn powerful है actually. Level 800 के experience points मिल रहे हैं इसको। I think अभी मैं जो रास्ता ले रहा हूँ, ओह, लेवल 28। सो लेवल 28 वगैरह को अब एक ही बार में फेल दिया भाई इसने तो। अब इसको यहाँ अगर मुझे देखना पड़ेगा सिर्फ मेरे हंटर को कोई नुकसान ना हो। एक्चुअली अभी मैं पास में ही हूँ तो मैं अपने पोकेमोन को फिर से हील कर सकता हूँ। पूरा फोकस किया इसने, काम माइंड अटैक ऐसा है, इसने अपने आप को पूरा फोकस किया, इसका अटैक स्पेशल अटैक बढ़ेगा। शैडो बॉल, आई वांट टू यूज शैडो बॉल, मुझे देखना है। लवली, हालांकि बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। व्हाट एल्स, और एक दो पोकेमोन देखने पड़ेंगे।
से देखा जाए ये एरिया बहुत अच्छा है पोकेमॉन्स को बढ़ाने के लिए। अब मैं शेडो बॉल चेक करूंगा। मैंने अपने हंटर को अभी तक पॉइजन अटैक नहीं सिखाया। डोंट टेल मी कि इसकी किक वगैरह नहीं, ये मैं भूल गया था यार, ये साइकिक भी है। बेसिकली साइकिक पोकेमॉन और घोस्ट पोकेमॉन एक दूसरे की कमजोरी है, जिसका अटैक पहले लगेगा वो पहले दूसरे को बीट आउट कर देगा। फाइट तो बहुत है यार, अब हील करके ही आना पड़ेगा। इसके पास एक ही पोकेमॉन है और वो लग रहा है मुझे नॉक आउट। लेवल 31 का पोकेमॉन है यार, इसके लिए थोड़ा सा हाई लेवल का पोकेमॉन लेके रखना पड़ेगा मुझे। और बराबरी की टक्कर होने वाली है ये तो कंफर्म है। ब्लैक ओ मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। ये देखो घोस्ट अटैक तो इफेक्ट ही नहीं करेगा इसके ऊपर लिटरली बैड। नाउ बेटर ये है मैं इस पोकेमोन को हटा लूंगा से। लेट्स गो गैराडोस, बिकॉज़ इसका जो अटैक लैंड करेगा वो बहुत पावरफुल होने वाला है, तो मुझे वो पोकेमोन रखना है जिसकी हेल्थ ज्यादा है। ओह गैराडोस ने स्किप किया वो सर्फ अटैक फाइनली। लवली यार, मुझे लग रहा है नॉकडाउन के पास सबसे अच्छा अटैक यही है। लेट्स सी क्रंच अटैक का डैमेज कितना है। ओह नहीं, इस बार तो लैंड करेगा वो अटैक 100%, पर डैमेज कुछ नहीं होगा ये भी मुझे मालूम है। तो तीन वाटर बेस हो गए, एक के पास डार्क वाला है, वो डार्क वाला रखना अब जरूरी है। ओ रायहॉर्न बना, आई थिंक रायडॉन बनेगा वो, यस बनना चाहिए। What is this? I think मुझे लग रहा है इस गेम में काफी चेंजेस कर दिए इन लोगों ने। ऐसा होता नहीं है वैसे। कमान, मैंने बहुत उम्मीद रखी थी यार कि शायद यहाँ पे मेरा रायहॉर्न राइडॉन लेवल पे कन्वर्ट हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। एनीवे, बट टाउन का मैप अगर मैं देखूं, व्हाट माउंट केव, ओके सो फेंचिना हर्ट्रोम जिम में वापस आ चुकी है, सो ये मेरे लिए अच्छी बात है। बट यहाँ से आई थिंक ये वाले एरिया तक मुझे आना है, बिकॉज ये एरिया मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। राइट ओके लेट्स सी,
अभी मेरा रायहॉन का थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुझे लगा यार, तो बेचारा अपग्रेड होना चाहिए था, वो डिजर्व करता था। आन I am strong. Seriously, what is this? TM 77. So इतनी बार I am strong बोलने के बाद इसने मुझे TM दिया है। ओके, तो वो अटैक बेसिकली ये है कि जितना सामने वाला अपने पोकेमॉन का स्टेटस बढ़ाएगा उतना ही आपके पोकेमॉन का स्टेटस बढ़ेगा। ब्रॉन्जोर, सो ब्रॉन्जोर बेसिकली साइकिक टाइप का पोकेमॉन है। इसके ऊपर रायहॉन, कम ऑन डू समथिंग बड़ी। सुपर पैंग, नहीं ड्रिल, लेवल 30 तक बात आ चुकी है यार, अब छोटे अटैक्स काम नहीं करेंगे, अब वन शॉट किल खेलना है। पिकाचू को इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके बढ़े, वो तो अभी भी बाकी पोकेमोन से 14 लेवल पीछे है। ओके, दिस इज द केव। एक राउंड मैंने सिर्फ इसलिए लिया है कि मुझे देखना है, ये नहीं देखना। Let's move from here। अरे राइडॉन को क्या हो गया यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो बढ़ना चाहिए था एक्चुअली। Let's see। ओके, वो बुलडोज है जिनको मैं मूव कर सकता हूँ, बट मैंने अपने किसी पोकेमॉन को ये अटैक नहीं सिखाया, डिफेंस अटैक। कम ऑन मूव मैन, अभी मुझे किसी से फाइट नहीं करनी। स्ट्रेंथ अटैक लेनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ। व्हाट यार, ये निंजा कहां से आते सीरियसली? स्कॉर्पी, आई थिंक इसमें फायर पैक या फिर ड्रिल रन काम करना चाहिए, वो भी बहुत बुरी तरीके से। इवन बुलडोज भी काम करेगा, बट फायर फैंग सुपर इफेक्टिव। और इसने क्या किया, आई थिंक इसका अटैक बढ़ेगा। यस, वो कैडेब्रा को क्या हो गया यार, इतना रो रो के बढ़ रहा है वो। रोल बैक, इस बार चेंज नहीं। अभी जो पोकेमॉन है वो लिटरली उस रेंज के है जिसमें मैं पिकाचू को इंट्रोड्यूस कर सकूं। पॉइजन फैंग, अटैक से कुछ नहीं हुआ, बस पॉइजन नहीं होना चाहिए। दैट्स इट, खेल खत्म। यस, निंजा बॉय बिल्कुल अचानक से निकल के आया, तो मुझे लग रहा है शायद मैंने पीछे भी कहीं गलती की है, मैंने अपने पोकेमॉन को स्ट्रेंथ अटैक नहीं सिखाया। यस, ये बहुत बड़ी गलती करी मैंने कि पीछे मुझे
अंदर ये गलियारे में दिखा था, मुझे एक पोकेमोन रखना है अपने पास। हालांकि स्ट्रेंथ अटैक मैं चाहूं तो अपने पोकेमोन रायहॉन को भी सिखा सकता हूं। ये रहा स्ट्रेंथ। सो इन्फर्निप सीख सकता है, पिकाचू, गैरडॉस, रायहॉन, ये सारे पोकेमोन सीख सकते हैं, राइट। एंड इसका डैमेज भी अच्छा है और ये नॉर्मल टाइप का अटैक है। आई थिंक अगर मैं पिकाचू को अभी ये सिखाता हूँ, बिकॉज पिकाचू के पास अभी कोई अच्छा अटैक नहीं दिख रहा मुझे। थंडर वेव पैरालाइज करता है, वोल्ट स्विच, इलेक्ट्रो बॉल, स्पार्क 65। यहाँ पे मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, बट इसने कोई और अटैक सीखा तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। What to do? Leave it. Yes. एक काम करते हैं, जो साइड के पोकेमोन है उसी को निकालते हैं और साइड का मेरा जीडूट ये रहा। Move. That's it. अब इसको वो अटैक सिखाना है। ये जीडूट मेरा एक्स्ट्रा पोकेमोन है जिसको मैंने कहीं यूज नहीं किया। टैकल टैकल डिफेंस कर, रोल आउट, रॉक स्मैश। ओह डोंट टेल मी मैंने इसको रॉक स्मैश हटा दिया है, मेरे लिए बहुत बुरी खबर हो जाएगी। रॉक स्मैश रखा हुआ है, वो बहुत जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि अगर रॉक स्मैश मैंने हटा दिया तो मैं पत्थरों को तोड़ नहीं पाऊंगा। अब एक बार नीचे जो गुफा में अजीबोगरीब से पत्थर थे सिर्फ उनको चेक कर लेते हैं, राइट, क्योंकि मैंने उनको हटाने की कोशिश भी नहीं करी थी। हट सकते हैं क्या? ये सिर्फ शो के लिए, राइट। सो आगे की पूरी टनल बची हुई है एंड आई थिंक जहाँ पे ये टनल जा रही है वो मैप में मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। सो लेफ्ट साइड में इस डायरेक्शन में ये जाएगी टनल और इसके बाद एक रास्ता ऊपर की तरफ जाएगा और एक रास्ता नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ तक हम ऑलरेडी आई थिंक आ चुके हैं, नहीं आई थिंक मैं यहाँ तक आ चुका हूँ जहाँ पे ये रास्ता बंद था। तो यहाँ पे हम जाके मीट हो जाएंगे और ये पूरी की पूरी टनल क्लियर होगी, बट उसके बाद मुझे जिम फाइट के लिए मेनली जाना है इस एरिया में जहाँ पे जिम लीडर मिसिंग थी। तो फिर देखा जाए तो सिनो रीजन का सबसे मैक्सिमम एरिया मैंने कवर कर लिया है, कुछ अराउंड हार्डली 20% बचेगा, राइट। तो वो 20% हम करेंगे लेकिन अगले गेम प्ले में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक चीज़ और जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट टाइप ऑफ पोकेमोन बताएं कि साइकिक, इलेक्ट्रिक या ग्रास टाइप पोकेमोन, किस तरीके के पोकेमोन आपको पसंद है और कौन सा वाला। सो गेम प्ले देखते रहिए, अपना ध्यान रख रहिए। नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय।